इसकी माँ की चूत, इसकी क्या हो रहा है यार। आज बहन चो परेशान कर दिया है यार इन लोगों ने। बहन के लॉर्ड एक दूसरे को ब्लॉक कर देते, बाद में बोलते हैं कि खेला करो खेला करो। सुनो परी, वो शान को अनब्लॉक कर पहले। एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हो, बाद में बोलते हो कि ये करो वो करो। लाइट बंद कैसे हो गई थी? अरे वो शान का फोन बीच में आ रहा था भैंचोद, पता नहीं बीच बीच में फोन करते रहते, कॉमन सेंस नहीं है सालों में। पागल है क्या वो? जैसे ही हाँ वो भाई क्यों ऐड हुई फोन? मेरे को लाइव, आपको स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट भी भेजा है आपको, देखो लाइव ही नहीं दिख रही थी जैसे ही वो ऐड हुई। भाई उसको बोल यार इसको अनब्लॉक करके आए, इसीलिए अभी वो ऐड नहीं हो पा रही थी कब से। अरे नहीं नहीं यार, वो उसने जब ये मेरे, ऐड थी तब तो वो नीचे से कमेंट कर रही थी अरे यार। उसने मेरे को हाइड किया हुआ है, वो मेरे को देख सकती है। वो ऐड हुई तो मैं, मेरे को दिख ही नहीं रही थी। मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था पनौड़ी भैया, देख लो आप, स्क्रीनशॉट भी भेजा हुआ है अरे वही टाइम परी पे। यार तब देख, तक तुम इसने दोनों, बहुत सारी चीजें तेरे खिलाफ भेजी है। मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई तेरे फिर तू बोलने लगे कि भाई मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। ठीक है, मैं इसीलिए तुझे यहाँ लाइव पे लेने की कोशिश कर रहा हूँ। अब चेक करना एक बार है वो नीचे, एक बार चेक करो आप, सर्च मारो जरा। उसको बोल एक बार के भाई अनब्लॉक कर दे, अरे उसके पहले बाद आप ब्लॉक देख, कर दी वो लाइव के बाद। उसने लाइव हाइड की हुई थी। एक तो बहन चोद ये सर्च करने में ही पूरा टाइम चला गया यार। बहन 143 चोद दिमाग का भोसड़ा हो गया। क्या नाम है भाई? 143_मेरी, नहीं, एक पी एक एक के पी डबल अंडरस्कोप के मेरी अंडरस्कोप किस्मत अंडरस्कोप डॉट अंडरस्कोप डबल अंडरस्कोप। 143 है ना पहले? हाँ हाँ, 143 अंडरस्कोर अंडर अंडरस्कोप एक, एक फिर ई डबल, के राइट, ई के हाँ फिर डबल अंडरस्कोप मेरी, हाँ, फिर अंडरस्कोर। फिर अंडरस्कोप किस्मत। फिर अंडरस्कोर, फिर अंडरस्कोर, फिर डॉट। फिर डॉट, फिर डबल अंडरस्कोप। आ मिल गई। गई। अब बहन चोद खेला शुरू होगा यहाँ पे। बैटरी की माँ चुद गई, बहन का लौड़ा। फोन की भाई बैटरी तो सही है ना? आ जा, इनवाइट कर दी है उसको मैंने। परी आ जा भाई। हेलो यार, ये हाइड वीडियो मार रखा है इसने। अरे चल भाई इसको छोड़, ठीक है अब इसको नहीं आना अरे है प्रूफ तो मत आए। बताओ अरे पहले, रुको, मैं मेरे इसके, को ऐसा झूठा नाम नहीं चाहिए, प्रूफ नहीं 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 भाई बताओ। देखो, ये शान ने बहुत सारी चीजें मुझे भेजी है, ठीक है उसमें कोई कोई गलत वाली बात नहीं है। जो है वो मैं हाँ सबको दिखाऊंगा आज, ठीक है। अब वो लेडी लाइव पे नहीं आ रही है तो मैं कुछ कर नहीं नहीं, सकता हूँ। मेरे को नीचे करके उसको ऐड कर लेना, कोई वांदा नहीं है। मेरी चीजें खाली बता दो पहले, मेरी चीजें बता दो कि मेरे को है ना ये इल्जाम नहीं चाहिए। चल ठीक है, अब बहन चोद फिर से उसका आईडी सर्च करो यार। 143 इसको नीचे करके ना उसकी जो इसने भेजा है उसको दिखा दो, ऐसे ऐसे दे रखा है, अब उसको पूछ लो आप एक बार, उसको ऐड करो इधर। बोल भाई, वन शाम फोर को थ्री बहन का लौड़ा मार चुद गई यार दिमाग की आज। 143 143_ फिर क्या है? एक ई के एक हाँ एक, फिर हाँ, फिर अंडर स्कोर, फिर अंडर स्कोर, हाँ फिर मेरी, मेरी फिर अंडर स्कोर, अंडरस्कोर फिर किस्मत। किस्मत हाँ अंडर स्कोर डॉट, हाँ फिर डबल अंडर स्कोर।
कितने अंडर स्कोर मैंने कुछ नहीं कर रखा ना, ब्लॉक कर रखा ना, हाइड कर रहा, उसने मुझे हाइड कर रखा। वो बोल रहा है उसने तुम्हें हाइड किया है, वो बोल रही है तुमने क्या किया ये सारी चीजें। नहीं नहीं मैं क्यों करूंगी उसको हाइड या ब्लॉक, ब्लॉक कर दी तो मुझे वो दिखता ऊपर बैठा हुआ। नहीं वो बोल रहा है भाई तूने हाइड किया उसको, मैं क्यों करूंगी। मैं भी मैंने चेक किया, मैंने तुरंत जाके चेक किया, कुछ नहीं कर रहा। अपन ओड़ी भाई का वीडियो ब्लर आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया। और जो उसने प्रूफ भेजे हुए ना सारे झूठे हैं, झूठे हैं, झूठे हैं। मैं आ रही तो वो भाग जा रहा है। उसने कुछ कर रखा कि वो मेरे साथ लाइव ना आ पाए। भाई तुम लोग ना एक दूसरे को भाई हाइड वाइड मत करा करो, वरना भाई पूरे खेले की ना मां बहन हो जाती है। हमने पहले ब्लॉक किया था बट अभी नहीं किया ब्लॉक, जब से ये स्टार्ट हुआ। पहले हम 3 जुलाई से ब्लॉक में था वो मेरे। अच्छा अच्छा अरे देखो 3 जुलाई से ब्लॉक में था और उसने वो प्रूफ के भेजे बाद के, राइट। जो स्टेटमेंट है भाई वो तो 6 जुलाई के और 5 जुलाई के हैं। हाँ तो हमारे 3 जुलाई से हमारे बीच में कुछ था ही नहीं, 3 जुलाई से ब्लॉक थे हम। अच्छा तो आप ये कह रही हो कि सान ब्लॉक नहीं है? हाँ जी ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक होता तो मुझे भी नीचे से कमेंट कर रही थी, वो मुझे दिखता। एक मिनट में ऐड कर लेता हूँ उसको, ये लास्ट बार उसको ऐड करता हूँ मैं। शान भाई आ जा, ठीक है उसको मैंने ऐड किया है शान को। शान भाई आ जा। देखो अभी ऐड है वो मुझे दिख रहा। अरे हटाओ इस शान को यार, पहले तुम इसका इसको बताओ ये प्रूफ आ रखे, शान को हटा दो, इनका पता नहीं क्या बता था। अरे देखो इसका स्क्रीनशॉट भेजा भाई। यार देखो परी है ना, तुम मेरे साथ कोई गेम मत खेलो ठीक है। ये देख लो उसने स्क्रीनशॉट भेजा है यहाँ पे। तो भाई मैंने उसे हाइड नहीं कर रखा, मैं स्क्रीन जाके स्क्रीनशॉट मैं भेजूं। ये देखो भाई उसने स्क्रीनशॉट भेजा है मुझे, देखो भाई ये शान राइट, ये देखो व्यूइंग देख लो भैया। थोड़ी देर पहले मुझे भी आपकी लाइव नहीं दिख रही थी, वो तो मुझे किसी ने शेयर की तो दिखी। अनेबल टू ज्वाइन आ रहा है शान, तो है ही नहीं। जाने दो ना उसको, अब फिलहाल अभी फिलहाल छोड़ो उसको। आई नो सोल्ड आउट, या सोल्ड आउट, हाउ गुड। चलो भाई एनीवेज तुम ये बोल रही थी कि तुम्हारे पास वो बंदे ने तुम्हारे लिए ना तो कोई चेन बाय की थी ना तो कुछ किया था। भाई देख लो ये शान ने मुझे उसकी उसकी रिसीट भेजी है, स्मार्ट ज्वेलर का ये बिल है देख लो भाई, ये देख लो स्मार्ट ज्वेलर। एक मिनट रुक जा देख लो भाई ये स्मार्ट ज्वेलर्स ठीक है। यहाँ पे जो बंगड़ी की बात हुई थी, ये बंगड़ी की बात को लेके ये वेट है उसका, एक मिनट ठीक है। दूसरी मैं एक चीज यहाँ पे दिखाता हूँ, डेट, ये डेट है 13, ये 6, ये देखो 13/6, ये छठवां महीना 13वीं तारीख, और टोटल अमाउंट है यहाँ पे अब ये टोटल अमाउंट कैसे इसने लिखा है वो मुझे पता नहीं आ रहा है, लेकिन ये देखो ये टोटल अमाउंट है देख लो भाई, ये देख लो ठीक है। वाउचर नंबर भी है यहाँ पे, उसने मुझे दूसरी रिसीट भेजी है शान ने, सेम रिसीट ही है लेकिन उसको जरा उसने
बैटरी लो हो गई मेरी फोन की। ये बहनचोद बकचोदिया होती है ना, ऐड करने में ही सारा टाइम चला जाता है, मजा नहीं आता खेले का, क्या करे। उस दिन तो 12 ग्राम की चैन थी, आज 9 ग्राम कुछ की होगी। 8.92 है बहन, वो 8.92 ऑलमोस्ट वो 9 ग्राम होती है ना। उस दिन 12 ग्राम बोला था उसने, उसने 12 ग्राम बोला था। एक मिनट, अब तुम दोनों ने एक दूसरे को हाइड करके रखा हुआ है, सच्चाई कैसे बाहर आएगी बताओ आप मुझे। मैंने हाइड नहीं किया है। अच्छा वो बोल रहा है मैंने हाइड नहीं किया है, बोल रही हो मैंने हाइड नहीं किया है। उसने जितने प्रूफ थे वो सारे प्रूफ उसने मुझे भेजे हैं, मैं सारी चीजें दिखाता हूँ। मैंने रिसीव की होगी कहीं ना कहीं से, जहाँ आई होगी, जिस एड्रेस पे भेजी है वहां तो आई होगी ना, मैंने रिसीव की होगी, पोस्ट ऑफिस आंगड़ी पांगड़ी जो भी होगा। अच्छा उसने मुझे चेन की डिजाइन भी भेजी है भाई, उसने चेन के जो पिक्चर लिए थे वो पिक्चर्स भी इसने मुझे भेजे हैं, लेकिन वो जो आंगड़िया का आप जो बोल रही हो कि उसने जो कुरियर किया था वो रिसीट अभी तक मेरे पास नहीं आई है, ये बात को मानता हूं मैं, ठीक है। और बात रही आपके हस्बैंड की, तो ये बंदा ये बोल रहा था अभी लाइव पे कि भाई आप 2 साल पहले भी किसी के साथ भाग गई थी पैसों बैसों के चक्कर में, तो ये क्या सच बात है ये? झूठ है झूठ है। मैं भाग गई होती तो मेरे फैमिली वाले मुझे घर में रखते, किसी की भी ससुराल वाले रखते हैं कि एक बार बंदी निकल जाए तो। अच्छा, तो मुझे मुझे तो आपकी स्टोरी में एक बात समझ में नहीं आई कि जब आपको पता था कि भाई आपका डिवोर्स का केस चल रहा है, आपका हस्बैंड दुबई में रह रहा है, तो फिर आपको ये शान के कांटेक्ट में आने की जरूरत ही क्या थी जब तक आपका डिवोर्स ना हो? मैं किसी के कांटेक्ट में नहीं आई थी, इसी ने मुझे फोर्स किया था। और ये बोलते हैं आज कि मैं से जानता भी नहीं था, मैंने झूठ बोला, झूठ सारी बातें इसने बोली। अच्छा प्रूफ के लिए मेरी सिस्टर प्रूफ है, रात हो रही है मैं भी बात नहीं करवा सकती, दिन में लाइव चलेगी तो पक्का बात करवाऊंगी। उससे शान बात करता था, उसको भी बोला इसने। आज मेरे हदीवर और मेरी बहन सिस्टर के बीच में भी लड़ाई करवा रही है कि वो मुझसे भी बातें करती थी। क्या बातें करती थी इससे मेरी बहन? ये तो बोल रहा है कि ये आपके घर में घुसेगा, आपको घर में से घसीट के आए 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 घर वाले भी वेट कर रहे हैं इसका, आए, क्योंकि मैंने घर में सबको बता दिया। अब तो मैं तो आने का, इसने लाइव भी बोला, इसने लाइव भी बोला ना ये आ रहा, तो इसके आने का मैं फुल आराम से वेट कर रही हूँ, शौक से आओ, पूरा स्वागत करूंगी, घर पे स्वागत करूंगी तेरा, तू आ जा। तू आ तो शान बैठा, एक बार आ जाओ। साला गंजा तो हो रखा ना, जो बचे हुए बाल है ना वो भी नहीं रहेंगे, आ तो जाओ तू। भाई ये कुरियर का बिल क्यों नहीं भेजा इसने, मेरी समझ में नहीं आया। बिल तो यार इसकी दुकान है, ये तो कई बिल फाड़ देगा ऐसे। अरे बिंदास तुम्हें ज्यादा वो है ना, जहाँ पे आते हैं ना वहाँ के तुम पता करना मैंने। अच्छा मुझे ये बताओ, रुक जाओ, ये विराज संघानी कौन है? विराज संघानी मैंने जानती, जिसको इसने 5,000 रुपये भेजे, विराज संघानी, जतिन संघानी, विराज जतिन संघानी, बैंकिंग अकाउंट का नाम ये है, ये आपके रिलेटिव्स है ये? मैं नहीं जानती, मेरे ये मेरा गूगल पे यही चलाता था। अच्छा आप इस पर, ये विराज नेहा जेसवाल कौन है? वो तो आप ही हो ना? हाँ ये मैं हूँ भाई। देखो ये 350 रुपये इसने 350 350 रुपए लूंगी क्या मैं इस बंदे से, जो लाख बंदी लाख रुपए दे सकती है वो 350 रुपए। एक मिनट एक मिनट, मैं सिर्फ उसके ट्रांजेक्शन आपको दिखा रहा हूँ। 350 एक बार भेजे, उसके बाद 500 रुपए आपको भेजे है, उसके बाद इसने भेजे है आपको, एक मिनट रुक जाओ, 1,000, उसके बाद इसने भेजे है आपको 2,000, उसके बाद 2,000, उसके बाद 6,000, उसके बाद इसने भेजना, उसके बाद 2,000 2,000 600 600, फिर उसने आपको फिर से भेजे है 500। अरे पनोड़ी भाई रुक जाओ, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। किस मोबाइल से गूगल पे चलावा? अरे रुक जाओ एक मिनट में बताता हूँ पनोड़ी भाई, पता क्या सीन है इनका, इन्होंने क्या किया?
और ये आपकी चेन की डिजाइन है, देख लो भाई, ये थी आपकी चेन। मुझे नहीं मिली ना, मैं ऐसा डिजाइन तो मैं पहनना तो दूर, छूना भी नहीं पसंद करूंगी। देख लो भाई ये डिजाइन है, ये पिक्चर ली है उसने, उसके ऊपर लिखा है कि गोल्ड ओवर ऑल ओवर भाई, देख लो ये उसने ये सारी चीजें भेजी है। ये प्रूफ संभाल के रखना, जब वो आएगा ना तो यही चैन निकाल के देगा मुझे घर से वो। कनोड़ी भाई इसको बोलना जो इस फोटो इसने खींच रखी है इसकी प्रॉपर्टी। मुझे दूसरी बात आपको ये पूछनी थी कि भाई आप दोनों का टिंचू टिंचू टाइटाई चल रहा था, आपके हस्बैंड को जब दुबई में पता चला ये बंदे ने आपके हस्बैंड को फोन किया, तो आपके हस्बैंड का रिएक्शन क्या था? मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि हम दोनों में सब कुछ फाइनल हो चुका था, मैं अपनी लाइफ में कुछ करूं वो अपनी लाइफ में कुछ करे, हम दोनों में ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा अच्छा, परसों उसने बोला मैं लाइव में आऊंगा, कल उसने बोला चांद और तेरा मैटर है तुम दोनों सॉल्व करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई। ये देखो सबसे बड़ा यहाँ पे देखो आपका नेम भी है, देख लो फोर, एक मिनट, एक तो मेरे फोन में बैटरी मैं की बोल रही ना, मेरा गूगल पे वो यूज करता था, मेरा गूगल पे वो यूज करता भाई, था। इसके इसके बैंक अकाउंट में शान का नंबर था, देख लो भाई ये नेहा जायसवाल 4300 देख लो भाई, ये पेटीएम फ्रॉम, ये तो बैंक से भी पता लग जाएगा ना मेरा गूगल पे कहाँ चलता था, किसका नंबर था। ये सेम ही अमाउंट है 4300 वाला, ये है दूसरा 500 रुपये का भाई, देख लो नेहा जायसवाल 500 रुपये का, देख लो भाई ये पनोड़ी भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, 2000 का, एक मिनट मुझे सारे प्रूफ दिखा देने दे पहले, ये 2000 का देख लो भाई, ये नेहा जायसवाल नंबर देखो, नीचे नंबर देखो किसका लिखा हुआ 45 वाला, ये मैंने देखा ही नहीं था, दोबारा दिखाओ ये नंबर देखा आपने, इधर थोड़ा देर को करो, ये 45 वाला शान का नंबर है पेटीएम, ये मेरा नंबर ये चलाता था गूगल पे, मेरी ये चलाता था, सबसे बड़ा प्रूफ यहीं भी आ गया, ये 45 वाला नंबर शान का है पेटीएम के आगे नंबर लिखा हुआ। हाँ ये शान तो का नंबर है, 350 रुपये सिगरेट का खर्चा निकाला होगा इसने, क्योंकि मेरा गूगल पे शान चलाता था, मैं नहीं चलाती थी का भाई, शान पेटीएम यूज करता था इसका। अब नंबर सबसे बड़ा प्रूफ यही आ गया ना कि शान का नंबर है वहां पर, ये मैंने ये देखा ही नहीं था, मैंने तो अभी देखा, दूसरा भी 45 वाला ही है भाई, शान का नंबर है, आप मिला के देख लीजिए, शान का नंबर है, क्योंकि शान ही मेरे अकाउंट में शान का नंबर था और मेरा गूगल पे पेटीएम शान ही चलाता था भाई। ये देख लो दूसरा 4300 का, देख लो ये शान का नंबर, देख लो भाई ये, वो गलती से ये नंबर हटाना भूल गया और यही पकड़ा गया, खुद ही मंगवाता था मेरे अकाउंट में नंबर 84 54 ये शान का नंबर है ना, शान का नंबर ये पकड़ा गया ना, ये चीज भूल गया वो नंबर। तुम ये कहना चाहती हो कि ये सारे ट्रांजेक्शन शान ने तुमको किए या तुमने शान को किए है? मैंने शान को नहीं किए, शान ने किसी और से करवाए हैं मेरे गूगल पे पे, और वो इसी ने यूज किया है क्योंकि मेरे अकाउंट में। समझ में नहीं आया, थोड़ा 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 लाउडली बोलो बहन प्लीज। हेलो हेलो, मैं बोल रही हूँ मेरा गूगल पे शान चलाता था और मेरे अकाउंट में शान का ही नंबर था, अब मोबाइल नंबर पता लग गया ना, वहाँ 45 लिखा हुआ, वो शान का ही नंबर है। अच्छा अच्छा अच्छा, सबसे बड़ा प्रूफ आ गया ना कि अकाउंट में मेरा शान का नंबर था। अब शान को हम लोग फोन करते हैं, पूछते हैं, देखो भाई ये बंदा, देखो इसको लाइव नहीं दिख रही है, देख लो। मैं क्या करूं, मैंने शान को हाइड नहीं किया है, मैं चेक करके आई थी, मैं क्यों उसे हाइड करके आऊं? चलो ये तो प्रूफ हो गया ना, अकाउंट में मेरा उसका नंबर था, गूगल पे पेटीएम वो चलाता था मेरा, वो ये सब उसने स्क्रीनशॉट तो दे दिया, वो नंबर हटाना भूल गया अपना। जय बोलेगी, वो तो मैंने अभी देखा, इतने दिन से मैंने नहीं देखा था। जो बंदी उसे 1,00,000 रुपए देगी उससे 500 रुपए लेगी क्या? और ये चैन रिसीव, वो चैन मैंने ली कि नहीं ली,
अरे पनोड़ी भाई, सबसे बड़ी बात है इसके अकाउंट नंबर में शान का नंबर ऐड है, शान का कांटेक्ट नंबर है। चलो अब तुमने तुम्हारी सफाई दे दी, अब मैं शान को ऐड करता हूँ, ठीक है? तुम नीचे रहना, जाना मत कहीं पे। शान भाई तू आ जा, तू झूठा बंदा है, तूने सारी चीजें झूठी भेजी है मुझे, तू कतई घटिया इंसान है। अब तुझे छोड़ेंगी नहीं पब्लिक। तूने यहाँ पे जो भी चीजें दिखाई वो सारी तूने फ्रॉड दिखाई है। तू इतना झूठ कैसे बोल सकता है रे? कितना झूठ बोलता है रे तू? अरे तो ये बैटरी भी लो होती है ना, तब बहुत प्रॉब्लम होती है यार, बार बार बहन चो। अरे ऐड हो जा बहन के लौड़े, ऐड हो जा। मैंने स्क्रीन, एक सेकेंड यार, हाँ भाई मेरे को दिख नहीं रहा है। बोलो, मेरे को स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी भेजी है, मेरे को लाइव भी नहीं दिख रही है कुछ भी। अरे चल वो सारी बातें छोड़, वो लड़की बोल रही है कि वहां पे तो तेरे पेटीएम का नंबर है, तू पकड़ा गया ऐसा। एक सेकेंड, वो है ना व्हाट्सएप की, व्हाट्सएप की डिटेल्स बताओ, वो मैं बताता हूँ तुमको। ये देखो मेरे ऑफिस में, मेरे ऑफिस में 5 लोगों के पेमेंट जाते हैं, तो किसके अकाउंट से कोड वर्ड है देख लो, आप चेक करो मैसेजेस में किसके बैंक की डिटेल्स है और वो है। और तुम 8 ग्राम जो बोल रहे हो ना, वो 8 ग्राम पेंडन का है। अब रिसिप्ट निकालो, मैं तुमको बताता हूँ। 8 ग्राम की चेन नहीं है, एक 8 ग्राम है और एक 13 ग्राम है, दोनों के फाइन 12 और 7 और कुछ है, टोटल 18 ग्राम है। अरे उस ट्रांजेक्शन में तो तेरा नंबर आ रहा है शान, 84 करके तेरा नंबर। अरे तो वो एक सेकेंड, 84 मेरा है, क्योंकि ट्रांजेक्शन में भाई मेरा नंबर ही आएगा ना, कि मेरे नंबर से भाई ऑफिस में जब फॉर्म भर के देते हैं ना, सब फॉर्म है, देखो जितने भी मैसेजेस है ना सब फॉर्म है। अरे यार वो फॉर्म जब हम भर के देते हैं ना, एक सेकेंड, जब हम फॉर्म भर के देते हैं ना, तो हम लोग लिखते हैं कि कौन से नंबर वाले के ट्रांजेक्शन करना है। मतलब मेरे नंबर ऑफिस में दिया हुआ है, 4 लोगों के काम होते हैं, फॉर्म भरा हुआ है। अरे लेकिन देख, अकाउंट उसका है, फोन नंबर तेरा है, तो गूगल पे भी तू ही चलाएगा उसका, पेटीएम भी तू ही चलाएगा। अरे कैसे तो मैं चला, बैंक उसका है, उधर है, मेरे को, एक सेकंड, मैं उसको आज तक मिला नहीं हूँ, मैं क्यों लेके जाऊंगा, मेरे को कहाँ से देगी, एक चीज बताओ। तो फिर वही बात कर रहा भाई, मेन नंबर होता है, ठीक है? हाँ ये रिसिप्ट निकालो, एक सेकंड, ये बड़ी वाली निकालो ना, बड़ी वाली, ये तो दूसरी है ना, बड़ी वाली रिसिप्ट निकालो, और बाकी लगे तो केस एक सेकंड में कर सकते हो, फोटो मैं दे देता हूँ। ये देखो पहला नाम क्या लिखा हुआ है, चेन, टू टोन चेन, नाम क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो, लेफ्ट साइड से फर्स्ट में लिखा हुआ है टू टोन चेन, 13 ग्राम 850 मिली। देखो फर्स्ट ही वेट पे लिखा है 13 ग्राम 850 मिली। ये देखो 13 ग्राम 850 मिली और सेकेंड है 8 ग्राम 200 और कुछ मिली। उसका फाइन कितना होता है, 92 की मेल्टिंग है इसलिए फाइन होता है 12 ग्राम और कुछ, और दूसरा 75 की मेल्टिंग है तो उसका होता है 6 ग्राम और कुछ, तो गोल्ड हो गया फाइन 18 ग्राम और कुछ। और नीचे देखो, अभी लेफ्ट साइड में नीचे उस दिन भाव कितना था, गोल्ड रेट 50,400 और लेबर कितना लगा, 8,300। ऊपर रिसिप्ट भी है, एड्रेस भी है, कोई केस भी कर सकता है। देखो जीएसटी नंबर भी लिखा हुआ है पनोड़ी भैया, अगर गलत है तो केस भी कर सकते हैं। अगर सब इतने सच्चे हैं, करो केस, जीएसटी नंबर भी है, बिल नंबर भी है, जीएसटी नंबर ये रहा 27AABJJ, आप चेक कर सकते हो, ये जीएसटी नंबर से दुकान का नाम आएगा, सब कुछ आएगा, ठीक है? लेबर बिल नंबर भी लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, देखो लेबर बिल नंबर भी लिखा हुआ है ऊपर, कुछ तो 13-15 कुछ तो भी लिखा रहेगा, बिल नंबर लिखा रहेगा ना रिसिप्ट का, वाउचर नंबर है ऊपर ही है, ऊपर ही है। और नाम पे क्या बना हुआ, 13 है। एड्रेस ये रहा, शॉप नंबर 10, ग्राउंड फ्लोर, शाही गली, 109 झवेरी बाजार, कोई जा भी सकता है। ये सब इंस्टाग्राम के खेले में बाप तो बीच में नहीं आएगा ना झूठा, नहीं। एक चीज बताना,
भाई ये रिसीप्ट बात तो गलत नहीं है क्योंकि ऊपर जीएसटी का नंबर है और जीएसटी नंबर कभी भी फ्रॉड और अगर बाप को जिस दिन पता चलेगा ना कि मैं इंस्टाग्राम पे झूठा नाम से शान नाम से हूँ, उस दिन है ना गांड पे लात मार के ना मेरे को फेंक देगा, तो इतना दूर फेंकेगा ना पता भी नहीं चलेगा। वाह, तो तुम ये कहना चाहते हो कि जो पैसे तुम्हें दिए गए थे वो पैसों का तुमने सही इस्तेमाल किया है? सही इस्तेमाल नहीं, इसने तो पैसे मेरे को रखने के लिए दिए थे, मैंने है ना जो जो चीज मेरे बैंक में नई भी आई है ना पनोड़ी भैया हमेशा एक्सेप्ट किया है। आप एक चीज ध्यान रखो, हमेशा एक्सेप्ट किया है, जो मेरे बैंक में नहीं आई है। मैं पहले ही दिन बोल देता कि भैंचोद पैसे नहीं मिले मेरे को, कौन क्या बता देता बताओ मेरे को। बात तो सही है तेरी, कौन क्या बता देता भाई, मेरे मेरे बैंक में आया है क्या कहीं शान या संकेत दिख रहा है क्या दूर दूर तक बताओ? नहीं भाई, गिरा हुआ इंसान लाइव पे नहीं आएगा, उसने मना किया है, वो नीचे बैठ के लाइव देखेगा। और एक चीज बताओ, परसों जब उसका पति आ रहा था, सुनो सुनो, परसों उसका पति आ रहा था, एक ही दिन में पति मुकर गया, तो भाई सबूतों के साथ मैं खेल रहा हूँ कि इन लोग खेल रहे? परसों तो मैं इतना मर रहा था कि उसका पति नहीं आएगा तो मैं लाइव पे नहीं आऊंगा, पति नहीं आएगा तो मैं लाइव पे नहीं आऊंगा, और एक ही दिन में पति मुकर गया, तो मैं खेल रहा हूँ कि ये खेल रहे? लेकिन शान कुरियर वाला, अच्छा तो उसके पति ने, उसके कुरियर। अरे कुरियर वाला सुनो सुनो, रुको रुको, कुरियर वाला मैं तुमको बताता हूँ, ये है ना ये जीएसटी के साथ जीएसटी नहीं भराया है ना, तो जीएसटी नहीं भराया हुआ है ना तो पक्का बिल नहीं जाता है, पक्का बिल नहीं जाता है ना, तो वो कुरियर वाले से है ना हम बिल फड़वा देते, तो जब फड़वा दिया है ना तो कुरियर वाले के पास मैं मंडे को जाके आया हूँ, जब दो दिन मांगा था ना इनसे जाके आया हूँ, बोलता वो बिल फट गया है फिर भी आपको चाहिए, वहां पे रिसीव्ड किया हुआ मैंने है ना मेरी स्टोरी में, और आपको भी एड्रेस और नंबर दिया है, जिसने रिसीव किया है ना जो सामान रिसीव किया है उस लड़की का एड्रेस, वो नेहा का एड्रेस नहीं है, वो नेहा का नंबर नहीं है, वो लड़की ने रिसीव किया है। दिखा रहा था कि आई डोंट वांट टू बॉर्डर समवन, भाई देखो मैं दिखाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ पढ़ता हूँ। हाउस नंबर 2 विलेज खुसलपुर, पोस्ट बॉक्स साहसपुर, डिस्ट्रिक्ट देहरादून, सॉरी देहरादून, या देहरादून उत्तराखंड। एंड भाई ये बॉक्स, एक मिनट, नंबर नहीं है इसमें, तो मैं दिखा देता हूँ सबको, इसमें नंबर मत है, इसमें नंबर मत है, क्योंकि यार हम क्यों किसी को परेशान करें फालतू में। भाई देखो ये एड्रेस रहा, ये शान ने मुझे भेजा था, देख लो भाई ये एड्रेस, एड्रेस नंबर भी है जिसने पिकअप किया है, देख लो भाई ये एड्रेस है, देखा ये शान ने मुझे भेजा था ये एड्रेस एंड पूरी सारी चीजें, तो भाई देख। और एक बिंदास 3 दिन पहले तक तो इन लोग रो रहे थे, एक सेकंड, 3 दिन पहले इन लोग रो रहे थे एड्रेस नहीं है, एग्जैक्ट एड्रेस बता दे जहाँ आया है, अभी मेरे को तो कौन देगा एड्रेस, जब इसका पति बोल रहा है कि मैं इस मैटर में नहीं हूं तो वो तो एड्रेस देगा नहीं, राइट? लड़की पता नहीं क्या है। अरे पनोड़ी एक चीज बताता हूँ, अगर नहीं होता ना, एक मिनट रुक जा, तूने ये बोला कि वहां पे कोई लड़की ने उसी लड़की ने ये कुरियर को रिसीव किया था, तो वो लड़की कौन? इसने वो इसकी बहन का, मैंने इसके पति को यह नंबर दिया, पूछा तो बोला इसकी बहन का नंबर है ये, इसकी बहन पिकअप करने गई थी वहां पे, इसने मेरे को वो टाइम पे खुद नहीं जाके, बहन और इसके जीजा जी पिकअप करने गए थे, और हाँ मेरे को जब पता चला ना ये, एक मिनट इतनी स्पीड में मत बोल, रुक जा, मैं पता है सच्चाई में पावर होता है, मैं समझ गया तू सच्चा है, रुक जा। तो उसकी बहन मतलब कि उसकी सगी बहन और उसका सगा जीजा, ये चेन को तूने जो भेजा था ये कौन है? इसकी बहन इसकी साइड है, इसकी बहन और जीजा इसकी साइड है। अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो कि जिस कुरियर को वहां से पिकअप किया गया वो उसकी सगी बहन, उसका सगा जीजा था? हाँ, अब मैं तुमको बताता हूँ, इसका पति और इसका जीजा दोनों हाँ? सगे भाई है, दोनों भाई भाई, दोनों बहन बहन शादी हुई है, इसकी सगी सिस्टर और जीजा इसके साइड है, इसके साइड।
उन्होंने जब इसके साइड है, ये लड़की नेहा के साइड है, हाँ नेहा जो बोलेगी वो हाँ बोलेंगे, जो नेहा बोलेगी वो हाँ बोलेंगे। अच्छा ये तो ये डायलॉग हो गया कि जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं कटूंगा। हाँ बस बस वही सिस्टम मैं कटूंगा। अच्छा अच्छा वही सिस्टम है। अच्छा तो ये सारी चीजें उन्होंने, तेरी चेन बेन तूने जो भेजी थी उन्होंने रिसीव भी कर ली, और उन्होंने ये बोला है कि उसको उन लोगों को कुछ मिला ही नहीं। हाँ इसीलिए मैं उस दिन पति को इसलिए ऐड करा रहा था कि तब तो मालूम पड़ जाता ना कि घर पे, एक चीज बोलू आप और मैं इधर बैठ के क्या पता घर पे सामान है कि नहीं, घर वाले बता सकते हैं ना, तब मैं पति को बोल रहा था। अब तो इन लोग ने पति को भी धमकी दे के मुकरा दिया, अगर इसका पति उस दिन आ जाता ले लिया रहता, तुम लोग ने ना पति नहीं आना चाहिए, पति नहीं आना चाहिए। और एक चीज बताओ पनोड़ी, पनोड़ी भैया तीन तीन साल से इसका अगर चल रहा है डाइवोर्स का केस, मैं तुमको रील्स भेजता हूँ, आज से 6 महीने पहले ये है ना पति के साथ घूमने गई थी, पति के साथ मनाली गई है घूमने आई है, मैं फोटोज रील्स सब भेजता हूँ। अगर पति के साथ 3 साल से डाइवोर्स है तो घूमने कैसे गई थी। अच्छा इसके पति का नाम क्या है। महेंद्र जायसवाल या नरेंद्र जायसवाल, दोनों में से एक, महेंद्र जायसवाल। अच्छा अच्छा और इसके जीजा का नाम। जीजा का नाम तो ऐसे तो गोलू बोलते हैं इसके जीजा को, मेरे को नहीं मालूम। छोड़ो उसको जीजा को, उसकी बहन का नाम क्या है। मेरे से लास्ट धमकी जब दी थी कि भाई ये सुसाइड कर रही है प्लीज आप बात कर लो, तब मेरे को ट्रू कॉलर में दीपा ठाकुर या दीपा जो भी आ रहा था मेरे को। अरे ट्रू कॉलर में तो तुम किसी का, वहां पे तो तुम कोई भी नाम रख सकते हो। तो मेरे को क्या मालूम भाई, कुछ भी नाम, दीपा नाम है, दीपाली होगा, दीपाली होगा या दीपा होगा। ट्रू कॉलर में मेरा नाम पनोड़ी आता है। हाँ तो दीपाली नाम है, दीपाली या दीपा नाम है, दोनों में से। अच्छा 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 तो एनीवेज अब तुमने जितने भी सुनो, मैं एक चीज बोलू, एक चीज तेरे पास जो लड़की मदद की गुहार लेके आई थी वो लड़की कतई झूठी है, वो धोखेबाज है, क्योंकि भाई ये बंदे ने वो गोल्ड चेन की माखी चूत, गोल्ड चेन के पिक्चर को साइड में रख, ये बंदे ने जीएसटी वाला सारी चीजें तेरे सामने रख दी है। तुझे चाहिए तो मैं तुझे ये मैं तुझे सेंड कर दूंगा। मैंने भेज दिया है, मैंने बिंदास को भी भेज दिया था, पहले ही भेज दिया था। भाई इस खेले में जो नेहा जायसवाल नाम की जो लड़की है वो लड़की कतई फ्रॉड निकली, क्योंकि ये बंदे ने जो बिल बनाया है, ये बंदे ने जो पेमेंट्स की है पैसों की, और उसके अलावा उसने जो चेन भेजी थी वहां पे रिसीव उसके जीजा ने, ये देखो ये तो ये बात हो गई कि जैसे कि आई फील यू ब्रो व्हाट यू सेइंग, कि भाई मैंने भी किसी को चीजें भेजी थी, ठीक है, तो वहां पे वो बंदा या वो बंदी नहीं थे उस टाइम पे, उसके किसी फैमिली मेंबर्स ने वो चीज को रिसीव किया था, लेकिन भाई देख पीपल आर ऑनेस्ट, उन्होंने बोला क्या भाई हमको वो सारी चीजें मिल गई है। अब कल को वो लोग बोलते हैं कि भाई हमें सारी चीजें नहीं मिली है तो मेरे पास क्या लौड़ा प्रूफ होता उस बात का, बताओ। बस वही बात है, मैं और 3 महीने बाद क्यों रोने आई। और सैम भाई को पूछो ना, आज से 7 दिन पहले सैम भाई की, सैम अमेरिकन की लाइफ पे लड़की बोली कि इसको प्यार होता तो छोड़ के मत जाता। भाई अगर लड़की को मेरे पे इतना खुन्नस होता तो ये सब बोलती। और बहुत सारी लड़कियां प्रूफ है, लेकिन एक बात बोलू पनोड़ी भैया, मेरे को है ना लड़कियों की इज्जत नहीं उतारनी है, इसलिए लड़कियों को ऊपर नहीं ला रहा हूँ, नहीं तो एक एक लड़कियों के साथ इसने डीएम में बात की है कि शान के घर वाले नहीं मान रहे इसलिए हम शादी नहीं कर रहे। तो मैंने इसको चैट भी भेजी है, आपको भी चैट भेज देता हूँ अभी का अभी तारीख के साथ। मैंने उसको बोला सच बोलना, तू मेरी बहनों को जाके झूठ क्यों बोल रही है कि क्यों मैं तुझे तेरे से दूर हो रहा हूँ, बोलना तू 2 बच्चों की माँ है, तू ये है। मेरे पास चैट तारीख के साथ मैं आपको भेज देता हूँ पनोड़ी भैया, अब भी नीचे उतर के आप चेक कर लो इसकी और मेरी चैट कि तू झूठ क्यों बोल रही है लोगों को। तो बिंदास तुम्हारे साथ ये लड़की आई थी मदद की गुहार लेके, तो तुमने पहले कुछ जानने की कोशिश नहीं की या डायरेक्ट ही तुम खेले में उसको लेके आ गए। अरे लेकिन ये अभी भी डिलीवरी वाला बिल तो दिखाई नहीं रहा ना अभी। अरे डिलीवरी वाला तो एक चीज बोलू, कच्चा डिलीवरी वाला 1 महीने के बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, गोल्ड आप गोल्ड मार्केट में जो जो है ना गोल्ड मार्केट में सवेरी बाजार वालों को। अरे भाई अभी तो यही हो गया ना, कल उठ के तो मैं वो डिलीवरी का भी बिल लेके आ जाऊँ, कच्चा बिल देखो अंगड़िया वालों का कच्चा बिल होता है वो भी लेके आऊंगा ना, तुम तो वो भी गलत बोलोगे,
वो भी गलत बोलोगे, फिर तो क्या है भाई, खुद की दुकान है, इतने सच्चे है तो पुलिस स्टेशन से जाओ कंप्लेन करो भाई, इतने सच्चे हो, ये बिल है मेरे पास, जीएसटी नंबर है, बोलो फेक बिल बना रहा है, और कंप्लेन कर लो जाओ भाई। मुझे इसमें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, कुछ दिन दे मेरे को, ठीक है, मैं तेरे को झूठा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, अगर तू सच निकला तो भाई तेरे साथ खड़े हैं भाई हम, ये लड़की झूठी निकली तो इसके खिलाफ जाएंगे भाई हम, ये बात तो सच है। अरे तुम क्या किसके साथ जाओगे, जब इज्जत ही उतार दी थी मेरी पहले दिन पे, किसके साथ नहीं जाओगे, जाओगे ये सब मेरे को बिंदास भाई मत भाई बोलो, मैंने डे वन पे बोला था कि नहीं हूँ गलत, नहीं इस हद तक जाना चाहिए ना, उस हद तक जाऊंगा जहाँ झूठा नहीं हूँ, हमेशा जहाँ गलती हुई अपनाया, और पूरे इंस्टाग्राम को पता है डीके मामा के अलावा मैंने किसी को गाली नहीं दी आज तक। हाँ हाँ रुक जाना दो पनोड़ी भाई सुनो, न लड़की के पास पक्का प्रूफ है, न इसके पास पक्का प्रूफ है, ठीक है, तो ये खेले को तो अभी आप सस्पेंस में डालो, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने दो, दो चार दिन, ठीक है, जो इसने बिल वगैरह भेजे हैं उस पे इन्वेस्टिगेशन होगा, दो चार दिन दे दो, ठीक है ना, उसके बाद हम उस चीज पे मुकाम पे पहुंचेंगे कि हाँ भाई ये बात सही है ये गलत है, तीन चार दिन दे दो और बोलो। एक काम करो शांतु, एक काम करो, मेरे छठे दिमाग में एक बात आई है, मेरा सातवां दिमाग ये बोल रहा है कि जहां पे ये चेन तुमने आंगड़िया में भेजी थी, वो आंगड़िया वाले, सुनो सुनो मेरी बात, वो आंगड़िया वालों का डिटेल्स, उनका फोन नंबर तूने जिस दिन भेजी थी ये चेन, उनकी दे आंगड़िया वाले का नाम और आंगड़िया वाले का नाम और आंगड़िया वाले का एड्रेस दे देता हूँ, इन लोग आंगड़िया में जाके इंक्वायरी करे नहीं करे वो ये देख ले। नहीं नहीं तारीख तो है ना बिल पे, तारीख पे तो है, तारीख तो है, लेकिन फोन नंबर चाहिए हम लोगों को, फोन नंबर आंगड़िया वाले का नाम आंगड़िया वाले के नाम से टोटल ब्रांचेस, उनके टेलीफोन नंबर सब मिल जाते हैं, मैं वो बुक भेज दूंगा आंगड़िया वाले का। अच्छा तो तुम भाई ये सारी इंक्वायरी करके बिंदास तुम देहरादून में जिस जगह पे इस चीज को भेजा गया है, तुम इस जगह पहले एड्रेस निकलवाओ, इसने जो भेजा है आंगड़िया वाले को, वो आंगड़िया वाले से तुम इंक्वायरी करो कि भाई तुम लोगों ने ये चीज वहां पे भेजी थी, अगर वो बोलते हैं कि हाँ हम लोगों ने भेज दी है, उनके पास साइन होती है, साइन लेने वाले की साइन होती है, समझते हो ना, तो वो साइन की कॉपी, वो साइन की कॉपी उनसे मांगो कि भाई किसकी साइन है वो, और वो साइन की कॉपी लेके दो तीन दिन में तू भाई बिंदास वहां के लिए तू निकल जा, और वहां पे जाके जिस बंदी ने या जिस बंदे ने वो उस पेपर पे साइन की है वो तो वहां पे होगा ना उस एड्रेस पे। सही बात है, वो तो होगा उस एड्रेस पे, क्यों नहीं होगा। हाँ तो अभी ये खेला चलेगा भाई, ये खेले को छोड़ूंगा नहीं मैं बहनचोद, सच्चाई और झूठ को मैं साथ में लेके आऊंगा, और नेहा जायसवाल अगर तुमने कुछ भी फ्रॉड किया होगा, अगर तुमने कुछ भी, तुमने यहाँ पे साजिश रची होगी, और शान तूने कुछ भी साजिश रची होगी, तो जितने भी पैसे मेरी जेब से जाएंगे, ये टूल्स, ये ट्रैवल्स एंड वो सारी चीजों के, तो मैं तुम जो भी झूठा निकलेगा उसके ऊपर मैं माल हानि का दावा ठोक दूंगा। ओके ठीक है, जो भी झूठ निकलेगा उसके ऊपर मैं माल हानि का दावा ठोकूंगा, तो भाई सोच समझ के खेला करना, क्योंकि मैंने बोला है हमेशा मैं खेलों को लेके बहुत सीरियस होता हूँ, यहाँ पे कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता है, मैं बहन चो पूरी सच्चाई की जड़ तक जाऊंगा, पूरी सच्चाई को मैं खुतेर खुतेर के निकालूंगा, तो वो जितनी भी सुन, जितनी भी डिटेल्स है तेरे पास वो आंगड़िया वाले की, वो सारी डिटेल्स तू बिंदा ले लेता हूँ। हाँ तो ऑफिस से सारी डिटेल्स ले ले, उन लोगों ने सामने देहरादून में जहां पे उन लोगों ने देहरादून की जिस ऑफिस में ये आंगड़िया वालों ने कांटेक्ट किया है ना बिंदास, देहरादून की ऑफिस का भी फोन नंबर, वो सारी चीजें ले ले, ये एड्रेस मैं तुझे भेजता हूँ, उनसे सारी देहरादून में जिनको डिलीवरी मिली है उनसे बात कर के उस दिन तुमको ये सोने की चीज मिली थी, ठीक, अगर वो बोलते मिली थी तो जिस एड्रेस पे उन्होंने कुरियर की है उनके साइन के, जिन्होंने साइन की है पेपर के ऊपर, वो पेपर की कॉपी तेरे पास मंगवा, और तू भाई निकल उस एड्रेस के लिए एक दो दिन में, सारी चीजें सारे प्रूफ लेके, ठीक है, ठीक है, मैं करता हूं। तो सुन ले भाई शान, अगर तू झूठा निकला तो तेरे पे माल हानि का केस ठोकूंगा मैं, अगर नेहा जायसवाल झूठी निकली तो उसके फैमिली पे मैं केस, माल हानि का केस ठोकूंगा,
वो तो ऐसे भी घर से बेघर होगी, मैं तुमको लिख के देता हूँ। आई डोंट गिव अ फक ब्रो, मैं यहाँ पे अपना टाइम दे रहा हूँ, यहाँ पे फालतू में सारी चीजें थोड़ी होती है भाई, पैसों से होती है ना सारी चीजें। यहाँ पे व्यूअर्स नीचे बैठे बेंच हो अपना इंटरनेट रिचार्ज करवा के, इन लोगों को मैं चूतिया थोड़ी बना सकता हूँ। सही बात है, ठीक है। तो भाई खेले में अगर आप आना चाहते हो तो भाई सोच समझ के आओ, क्योंकि बेंच हो मैं खेला किसी झूठ के ऊपर या किसी प्रूफ के बगैर मैं नहीं करता हूं। तो ये खेला जारी रहेगा भाई, मैंने जो बोला है बिंदास वो भाई शान, कल सुबह तू उसको सारी चीजें डिटेल्स। तो नहीं एक सेकंड, 22 तारीख से गोल्ड का एग्जीबिशन चल रहा है बॉम्बे में, कल का कल नहीं मिलेगा मेरे को, खुद को ऑफिस जाना पड़ेगा वापस बॉम्बे, 2 दिन बाद मैं बॉम्बे जाऊंगा तब लेके आऊंगा, सैटरडे को जाऊंगा उस दिन लेके आऊंगा, वो मेरे को जाके ढूंढना पड़ेगा भाई, मेरा बाप है ना गांड पे रोज रोज लाती मारेगा। पनोड़ी भैया, अरे अरे तेरे पास अंगड़ी वाले का नंबर है क्या? अंगड़ी वाले का नंबर है तेरे पास? अरे मेरे पास अंगड़ी वाले का नंबर, एक सेकंड, मेरे पास अंगड़ी वाले, मैंने है ना अंगड़ी जो आदमी को बोला था ना कि भाई भेजना है अभी 3 महीने पहले का, वो अभी कहाँ से देगा, 1000 चीजें रोज आंगड़िया होती है, मैं रोज की बिल बुक दे देता हूँ आपको, बिल बुक का है ना डैडी को बोल के ऐसे ही उपरली रफली बता देता हूँ, एक हफ्ते में एक पूरी बुक खत्म होती है पार्सल। अरे हमको औरों से कुछ लेना देना नहीं है, जो तूने सामान, डिटेल्स कब, एक मिनट तू डिटेल्स कब देगा? सैटरडे तक दूंगा, सैटरडे तक दूंगा सर, सैटरडे तक ये डिटेल्स देगा, और मंडे को, संडे को आंगड़िया बंद रहता है, मंडे को सारी इंक्वायरी करके बिंदास ट्यूजडे को जो एड्रेस पे जो चीजें डिलीवर हुई है वहां पे तू रातों रात हाथों हाथ वहां पे तू मुझे चाहिए वीडियो कॉल पे, बिल्कुल ठीक है, और वहीं से लाइव चलेगी, वहीं से उसके घर से बाहर लाइव चलेगी, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे चूतिया बनाने के लिए नहीं बैठे हम लोग, जो तुम बेंचो आ जाओगे उठाने के लिए, पनोनी भैया खेला कर दो, यहाँ पे फालतू में फेम नहीं मिलेगा, समझे? जो भी झूठ निकलेगा उसकी मां चोद दूंगा मैं, उसके ऊपर माल हानि का केस होगा भाई, मैं तो नहीं कर सकता हूँ, ये करेगा हमारा बिंदास करेगा मेरे कहने पे, ठीक है? तो समझ, सोच समझ के खेला करना। और भाई नेहा जायसवाल, अगर तू सच है या झूठ है, अगर तुम दोनों बिफोर ये बंदा प्रूफ भेजता है, बिफोर ये बिंदास वहां मेन एड्रेस पे पहुंचता है, उससे पहले अगर तुम दोनों सच्चाई बोलने के लिए रेडी हो कि किसने किसको लूटा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम मत है, मुझे तो सच्चाई जाननी है ना, ठीक है? तो दोनों में से एक तो झूठे है, ये बात तो तय है, राइट है, राइट, दोनों में से एक ने तो किसी ने किसी को लूटा है, तो अब तुम दोनों तय कर लो किसके ऊपर माल हानि का। मेरे को क्या तय करना है भाई, मेरे को कोई तय नहीं करना है, मेरे को, मैंने मेरी चीजें रखी, वो वेस्ट की चीजें रखेगी। चलो भाई, तो लाइव को वाइंड अप करते हुए, और कल से नया खेला शुरू होगा, ये बहुत ही बड़ा खेला है, सारे किरदार यहाँ पे मेरे पास आ चुके हैं, मैं जरा आपको हाईलाइट दे देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, कहाँ पे गया, हाँ भाई देखो, ये बहुत बड़ा खेला है ये, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर है, मोर देन 50 कैरेक्टर्स है इसके अंदर, बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रूफ है ना, एक मिनट दिखाता हूं मैं आपको, देखो भाई बहुत सारे ऐसे ही प्रूफ और सारी चीजें यहाँ पे आके रखी हुई है, ये तो बेंच ऑफ बहुत बड़ा खेला, ये तो करोड़ों रुपये का फ्रॉड है भाई ये, देखो एक चीज दिखाता हूँ, एक एग्जाम्पल, 2,70,000 रुपीज, ऐसे तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, ठीक है, एंड ये बहुत ही बड़ा खेला होगा, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस खेले में घसीटने वाला हूं मैं, बहुत मजा आएगा कल के खेले में, तो भाई तू इंदर सिंह के काम पे लग जा, और ये खेला जिसने भी ये खेला करवाने को बोला है उनको मैं काम पे लगाऊंगा कल से, ठीक है? तो चलो भाई, हैव अ गुड नाइट, लेकिन लेकिन, लेकिन अरे लेकिन ये भी बोलो, जो इन्वेस्टिगेशन में खर्चा आएगा भाई, जो झूठ निकलेगा वही पेट करेगा भाई उसको, माल हानि का दावा ठोकेंगे हम लोग, पागल है तू, खर्चा ठीक है खर्चा क्या, खर्चे से मत डर तू, माल हानि का केस